अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ये इनवरेक्स का एक पीस आया है हमारे पास। इसकी जो मेन आईसी जो है ये वाली, ये शॉर्ट बता रहा था, तो इसके ऊपर जो है ना आसमानी बिजली गिरी थी। मैंने कहा चलो आपसे ये फॉल्ट शेयर कर लें। ये आसमानी बिजली की वजह से भी जो है ना आपकी MCU शॉर्ट आ जाती है। तो अभी इसको, इसका बूस्टर साइड भी जला हुआ था, ये देखें इसकी रेजिस्टेंस वगैरह, ये भी जली हुई थी। देखिए ये सारी बर्न, ये हीटगन की मदद से हमने इसको, ऑर्डर की मदद से इसको निकाल लिया है बाहर। अभी जैसे जैसे आगे प्रोसेस चलता है हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट निकलता है। वैसे दोस्तों ये आईसी है, ये हम इसमें इंस्टॉल करेंगे न्यू आईसी, फिर आपको बताते हैं इसमें क्या है। और बूस्टर साइड भी इसका रिपेयर करके आपको दिखाते हैं, और भी कोई फॉल्ट निकलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा जी दोस्तों, ये जो ना एम्बिएंट की MCU चेंज कर चुके हैं, MCU लगा दी। बड़ी मेहनत हुई इसमें लगाने में, आपको पता है ये जो बिल्कुल बारीक बारीक से इसके जो है ना टांके, तो इसको हम लगा चुके हैं। अभी आगे का प्रोसेस हम करके आपको दिखाएंगे। अच्छा तो दोस्तों अभी इसको हमने IC वगैरह लगा के इसको ऑन कर चुके हैं। इसके मैं आपको बताता चलूँ, ये 44-27 IC जो होती है ये भी इसी ख़राब थी। ये तो मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने ये मन की रेजिस्टेंस लगा दी। और ये जो है A10-20 इसका, ये भी इसका शॉर्ट था, तो ये भी ख़राब बता रहा था, इसलिए मैंने ये साइड दोनों क्लियर कर दी। ये साइड सही थी इसकी, असेंबली वगैरह लगा के IC ऑन है। अभी आपको मैं इसका ऑन करके चेक करवाता हूँ कि ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह पीस जो है ऑन हो चुका है। अभी ये 09 के एरर पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये 09 का एरर बता रहा है, मतलब कि हमारा जो पीस है वो MCU लग के इसकी मेन IC लगा के हमने ओके कर चुके हैं इसको। अभी इसके अंदर जो जो पार्ट्स लगाने हैं वो लगा के उसके बाद आपको दिखाते हैं, इसमें कोई और मसला तो नहीं निकलता। अभी इसको दोबारा से फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों? अच्छा जी दोस्तों, अभी हम इसको सारे FAT वगैरह इसके लगा चुके हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये इसके FAT 44-27 IC मैंने एक पीस में से निकाल के लगाई है, तो ये ऑन हो चुका है, ठीक है। इसकी ये मैं आपको बताता चलूँगा, इसके अंदर एक और फॉल्ट था, ये जो फर्स्ट वाला कपलर है इसका 3150, तो ये वाला, ये भी इसका जो है ना ये शॉर्ट बता रहा था। और ये IC भी ख़राब थी, ये भी मैंने बदली की है, ये भी चेंज की है। तो ये अभी पीस जो है, अभी आपको मैं इसका टेस्ट कराता हूँ बाहरी। इसके फ़ैन वगैरह लगा चुके हैं, ये सप्लाई लगी हुई है 24 वोल्ट, इसको हम दे चुके हैं। अभी इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी दोस्तों, ये हमारा पीस माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। 228 वोल्ट जो है इसकी आउटपुट आ रही है, पीस हमारा रेडी है। ये इसके फ़ैन चल रहे हैं, ये माशाल्लाह से पीस हमारा जो है ऑन हो चुका है। अभी इसको बॉडी में फिट करके लोड वगैरह चला के इसके आपको वो भी दिखाते हैं। और ये सप्लाई पे इसके एम्पेयर आ रहे हैं 0.71, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पीस माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अच्छा ये दोस्तों, अभी हम इसको बॉडी में फिट कर चुके हैं। अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अभी हमने इसको ऑन किया है, ये देखें, ये माशाल्लाह से, ये मैंने इसके पीछे लोड लगा रखा है 200 वाट का, ये लोड चल रहा है। ये हमारा UPS जो है वर्किंग मोड में है। अभी मैं इसको आपको सोलर लगा के चेक करवाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर सोलर दिया, अभी ये सोलर के PV वोल्ट शो करेगा। मैं लोड बंद कर देता हूँ। ये आ गई दोस्तों इसके अंदर PV,
पीवी वोल्ट शो कर रहा है। अब ये हमारा यूपीएस जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। ये हमारे क्योंकि इसमें गई थी बिजली, आसमानी बिजली गिरी थी इसके ऊपर, इसकी प्लेटों पे, तो ये बिल्कुल बुरी तरह डेड हो चुका था। अभी ये देखें माशाल्लाह से रेडी कर दिया हमने। इसकी एमसीयू भी चेंज करी है, इसमें जो भी जितना भी मसला था बूस्टर साइड आईजीबीडी 3150 सारा कुछ हमने आपको सारा चेक करवाया है, सारा कैसे बनाते हैं, कैसे इस तरीके से लगाते हैं, हर चीज़ चेक करके आपको ये आपके सामने माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।